हिसार, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम। हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाम के 6 बजे लेकर हाजिर होते हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें अलग अलग दिन हम आपके लिए अलग अलग विषय चुनकर लाते हैं, जिस पर हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से हम विस्तार से चर्चा कर उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। सबसे पहले आपको विषय के बारे में बता दें, आज का विषय है किसान उत्पादक संगठन और इसके साथ ही आम के बागों की फलत के समय देखभाल। तो इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज इस कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप भी इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113-0060 और 1800-113-0061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखेंगे। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जेपीएस जवास, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सीएटीएटी आईआरआई पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर जवास, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं डॉक्टर ए के सिंह, जो कि संयुक्त निदेशक है उद्यान अनुसंधान केंद्र पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सिंह हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आइए शुरुआत करते हैं बातचीत की, और जैसा कि हमारा पहला विषय है किसान उत्पादक संगठन, तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है और किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो किसान उत्पादक संगठन बनाए और उससे जुड़े। तो क्या वजह है इसकी और इससे किसानों को क्या फायदे हैं, आइए इसके बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं। तो डॉक्टर दबास, हमें सबसे पहले बताएं किसान उत्पादक संगठन के बारे में, क्यों किसानों को बनाना चाहिए किसान उत्पादक संगठन। मुनालिसा जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश का जो किसान है वो छोटा है और मध्यम है, उसके पास जमीन की जोत कम होती है, संसाधन कम है जी। कम संसाधन होने की वजह से अगर हम उसको सशक्त करना है ज्ञान से, तकनीकी से, और उसको उसके जो उत्पाद उसका सही मूल्य दिलाने के लिए, साथ साथ में जो किसान हमारा बीज और दूसरे इनपुट खरीदता है उसको भी अच्छी गुणवत्ता के और सही क्वालिटी के और सही समय पर सही भाव में और सही तरीके से दिलवाने के लिए किसान उत्पादक संगठन का होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि किसान मेहनत बहुत करता है, लेकिन वो जो भी मेहनत करता है उसका सही मूल्य उसको नहीं मिल पाता है, और मूल्य ना मिलने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो उसको सही बाजार नहीं मिल पाता, एक बाजार में उत्पाद को सही तरह से नहीं लेके जा पाता और सही तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाता, और दूसरी खास बात है गाँव के अंदर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जितने भी हमारे उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, उनका मूल्य संवर्धन होना बहुत ही आवश्यक है। और मूल्य संवर्धन अगर होता है तो गांव में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, साथ ही साथ किसान को अधिक मूल्य मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। आज हमारा उपभोक्ता चाहता है कि उसको अच्छी किस्म के उत्पाद, फल सब्जियां और दूसरे जो कृषि उत्पाद उसको मिले, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जो हमारे किसानों के संगठन है ये उसमें बीच में आए और सीधी मार्केटिंग करे, और मार्केटिंग के माध्यम से उपभोक्ता को भी और साथ साथ जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें भी ये घुसे, और हमारे छोटे और मझोले किसानों को जो भी पैदावार वो कर रहे हैं उनको उनके सही दाम मिले, उनकी जो उत्पादन। तो काफी फायदे हैं इसका, मतलब अगर किसान उत्पादक संगठन से किसान जुड़ते हैं, खासतौर पर छोटे और मझोले किसान, और ऐसे में ये संगठन किस तरह से बनाए, किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं, इन तमाम बातों के बारे में आगे जानेंगे विस्तार से। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई नई योजनाएं लाती रहती है। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह होता है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है और खेती से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है।
ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। एफपीओ से जुड़े किसानों को अब न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिल रहा है, बल्कि किसान खाद, बीज, दवाइयां और कृषि उपकरण भी आसानी से खरीद पा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब किसानों को बिचौलियों से भी मुक्ति मिल रही है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एफपीओ को बनाने और इन्हें बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सरकार 2021-22 में 2,500 किसान उत्पादक संगठन तैयार करेगी। इससे करीब 60,000 किसानों को मदद मिलेगी। 2,500 एफपीओ बनाने का काम केंद्र की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को मदद दी जाएगी। हर एक एफपीओ में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। देश भर की सहकारी समितियां एफपीओ बनाने में सहयोग करेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में निवेश को बढ़ाया जा सके। एफपीओ को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हर एक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और एफपीओ के बारे में कुछ जानकारियां आपको मिली इससे। इसके बारे में और भी विस्तार से आगे जानेंगे, लेकिन आइए हमारे दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आम के बागों के देखभाल के बारे में इस वक्त हम आपसे जानना चाहेंगे। आम का मौसम बिल्कुल आ रहा है और ऐसे में लोगों को खास तौर पर इंतजार होता है। इस फल का बहुत ही पसंदीदा फल होता है लोगों का। ऐसे में इसकी जो व्यावसायिक खेती है, पहले जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए ये किस तरह से लाभदायक साबित हो रहा है, साथ ही ये जो समय है ये किस तरह से महत्वपूर्ण है बागों की देखभाल के लिए। बिल्कुल सही है मैम, जैसा कि आपने बताया कि इस समय जो बाग हैं आम के, लगभग उसमें फूल आ चुके हैं और फ्रूट सेट भी हो रहा है, इसमें फलक हो गई है। और अगर आप देखें नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में अभी फूल आया है और उसमें फ्रूट सेट हुआ है। साउथ इंडिया और वेस्टर्न पार्ट में आम बड़े हो चुके हैं, लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया के हिसाब से अगर हम बताएं आपको, तो इससे सबसे पहली चीज है कि हमारे किसान भाई को ये ध्यान देना होगा कि अपने फलों को झड़ने से बचाएं। इस बार आप सभी जानते हैं कि जो लो टेम्परेचर चला, बीच में जो तापमान का काफी उतार चढ़ाव चलता रहा, जिसकी वजह से आम में देखा गया है कि थोड़ी सी टेंकल का साइज, जो फूल का साइज होता है, वो थोड़ा छोटा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, फ्लॉरिंग अच्छी हुई है, फ्रूट सेट भी अच्छा हुआ। लेकिन अब हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी फल सेट हो रहा है उसको हम झड़ने से बचाएं। कुछ तो नेचुरली फल झड़ते हैं, लेकिन कम से कम एक टेनिकल में 3 से 4 फल रहे। इसके लिए हम किसान भाई को ये बताना चाहेंगे, सभी बागवान भाइयों को, कि उसके लिए नेफ्थलीनेस्टिक एसिड मार्केट में आता है, इसका प्रयोग करें और इसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बनाए। और बना करके जो जब इसका मटर के दाने के बराबर आम हो जाए तो इस पे स्प्रे करें, जिससे फ्रूट सेट होने के बाद उसका झड़ना बहुत कम हो जाएगा और किसान भाई को काफी लाभ मिलेगा इससे। बिल्कुल, इस तरह से इस समय और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे बागों की देखभाल करें, इसके बारे में आपसे जानेंगे विस्तार से। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं रिपोर्ट पर। फलों के राजा आम की अच्छी फसल के लिए इस समय आम के बागों की देखरेख जरूरी है। आम के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण है। इस महीने आम में पुष्पण की क्रिया के बाद फल लगने की क्रिया शुरू होती है। पुष्पण के दौरान किसी भी कीटनाशी का इस्तेमाल नहीं करें और न ही बागों की सिंचाई करें, लेकिन फल लगने के तुरंत बाद सिंचाई का सही से प्रबंध करें। इसी समय फलों में कुछ रोगों और कीटों के लगने का डर बना रहता है। चुर्निल आसिता रोग से बचाव के लिए मार्च के पहले सप्ताह में पहला छिड़काव आर्द्रशील गंधक से करें। छिड़काव तब करें जब बोर 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो और दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर डिनोकैप से करें। बोर पर श्याम व्रण दिखाई देने पर कार्बन डाजिम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। पत्तियों और शाखों पर श्याम व्रण का प्रकोप होने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
मिलीबग से बचाव के लिए पेड़ों के तने पर पॉलिथीन की 3 फीट चौड़ी पट्टी बांधें और पौधों की बजाय जमीन पर किसी अंतरप्रवाही कीटनाशी का छिड़काव व्यस्क कीटों को मारने के लिए करें। फलों को फुदका या तेला से बचाने के लिए थायोडॉन या डाइमेथोएट का छिड़काव करें। वहीं अप्रैल महीने में फल मक्खी से बचाव के लिए प्रपंचों का इस्तेमाल करें। आमतौर पर अप्रैल के महीने में फलों का विकास तेजी से होता है, ऐसे में नियमित रूप से बाग की सिंचाई 15 दिनों के अंतराल पर जरूर करें। आम के बागों में एक साल के पेड़ों के लिए 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फॉस्फेट और 50 ग्राम पोटाश का इस्तेमाल करें। वहीं 10 साल या इससे ज्यादा उम्र के पेड़ों के लिए प्रति पेड़ 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फॉस्फेट और 500 ग्राम पोटाश का इस्तेमाल करें। इस तरह फलत के समय आम की सही देखरेख से आप अच्छी फसल ले सकते हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि इस समय आम जो है मटर के दाने बराबर हो गया है, अभी तो कोई विशेष समस्या नहीं, बोल आगे चल करके जो समस्या पैदा होती है, आम कोयली पद्दी हो जाता है और बीच से वो फट जाता है, दो भाग में हो जाता है, फिर सड़ करके वो गिर जाता है, इससे हमें निजात किस प्रकार से मिलेगा, हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, डॉक्टर सिंह बताएं। बिल्कुल देखिए, आपने जो बताया कि अभी फूटचट हो चुका है, दाने बन चुके हैं लेकिन बाद में वो अंदर से फटता है और फिर गिरता भी है, इसके लिए आपको बोरान का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ ही साथ हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि आप जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जैसे ही आपका फल, आम का फल मटर के दाने के बराबर हो जाए, आपको कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और बोरान इन तीनों का प्रयोग करना है। कॉपर सल्फेट अगर देखें तो आप जो है 2 ग्राम प्रति लीटर, इसी तरह से जिंक सल्फेट 2 ग्राम प्रति लीटर और बोरिक एसिड 1 ग्राम प्रति लीटर। और किसान भाई के लिए हम बड़े सरल भाषा में बताना चाहेंगे कि जिंक सल्फेट का 10 किलोग्राम ले लीजिए, कॉपर सल्फेट का 5 किलोग्राम और बोरान का 5 किलोग्राम, और इनको जो है आप सोल्यूशन बना करके, और पूरे 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, आपको एक पेड़ में 25 लीटर के करीब वाटर लगता है, और इसके हिसाब से जो मैंने बताया आपको बोरान, जिंक और कॉपर, इन तीनों का उपयोग करना है। इससे क्या होता है कि जो फल है वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, फल फटने की समस्या नहीं होती है, फल में शाइनिंग होती है, फल में जो पीएसएस है वो भी बहुत अच्छा होता है, फल चमकदार होता है, और उसका मार्केट में, बाजार में उसका भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप बोरान का स्प्रे करें, और बोरान के साथ अगर आप कॉपर और जिंक मिलाएं तो बहुत ही अच्छा फल उत्पादन, उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है नंदस्वरूप मिश्रा जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कार्यक्रम में और जानना चाहेंगे डॉक्टर दबास आपसे, एफपीओ के फायदों के बारे में आपने हमें बताया, तो ऐसे में जो छोटे और मझोले किसान है अगर एफपीओ बनाना चाहते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखो सरकार जो है इसके ऊपर काफी जोर दे रही है जी बिल्कुल, और 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो हर जिले में है और काम करी, जिसमें एक तो नाबार्ड है, साथ में SFSEI है जी। ये जो संस्थाएं हैं ये हर जिले में काम कर रही हैं, और सरकार ये कोशिश करिए जो 500 हमारे ब्लॉक हैं उसमें हर ब्लॉक में कम से कम 2 FPO हों, और FPO जो बनाए जा रहे हैं वो इस हिसाब से बनाए जा रहे हैं कि जहाँ पे जो चीज पॉपुलर हो, कि अगर आम का एरिया तो उसमें आम के ऊपर FPO हो, और अगर हल्दी का एरिया तो हल्दी के ऊपर FPO हो, जिससे कि जहाँ वो किसान पैदा कर रहे हैं तो उसकी उत्पादन लागत कम हो और साथ साथ में उनके उत्पादकों को सही मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार की कोशिश ये है कि FPO बने और FPO में अधिक से अधिक किसान शामिल हों, और जो FPO बनते हैं उसको सरकार 3 से 5 साल तक आर्थिक सहायता भी देती है, जिससे कि किसान भाई आगे बढ़े, उसमें ट्रेनिंग की भी है, उसमें रजिस्ट्रेशन की भी है, उसमें उनका जो ऑफिस है उसके लिए भी है, और साथ साथ में हर FPO जो है CEO का भी अपॉइंटमेंट कर सकता है, जिसकी तनख्वाह भी पहले जो 3 से 5 साल है वो सरकार दे रही है। तो सरकार के फायदों जो भी फायदा होगा जब हमारे किसान भाई सक्रिय होंगे और आगे बढ़ेंगे, और अपने नबार्ड या SFSEI के कर्मचारी से बात करके आप इसकी पूरी जानकारी लें, और जानकारी लेने के साथ साथ में जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या कृषि विभाग है उनसे भी संपर्क में रहें, क्योंकि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो भी FPO के सदस्यों को मिलनी चाहिए, जिससे हम उसको आगे बढ़ावा दे सके और हमारे किसान भाई आगे बढ़ सके। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। उमेद पटेल जी इस वक्त नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेद जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल।
हमारा सवाल ये है कि जो आम में बाली आती है उसमें क्या कहते फल कम लगती है और क्या कहते हैं बॉन्ड टाइप में हो जाता। अच्छा, आपने किस किस्म का पौधा लगाया था? हम मैडम नाम तो नहीं जानते। अच्छा ठीक हाँ। है डॉक्टर सिंह, क्या वजह होगी जी? आप आम सर सवाल है आपका, आप दोहराए प्लीज, क्या बताना चाहते हैं? प्रश्न एक बार दोहराए प्लीज। कुमार जी आप एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराना चाहेंगे? जी कहते जो आम में बाली आती है उसकी क्या कहते हैं उसमें फल कम लगते हैं और बनी हुआ हो ज्यादा मतलब। ठीक है, फल कम लग रहे हैं जी। हाँ और जो बोर फल झड़ते भी है। झड़ते भी है, ठीक है, फल झड़ते भी है, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, देखिए आप जब भी अपने बगीचे को आप देख रेख करते हैं इससे सबसे पहले महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप क्या नवंबर में दिसंबर में उसको पर्याप्त रूप से खाद डालना है। आप तो यहाँ बताना चाहेंगे कि जो जैसे हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इन तीनों में नाइट्रोजन को छोड़ करके, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को छोड़ करके जो पोटेशियम एंड फास्फेटिक फर्टिलाइजर है वो आपको नवंबर में देना होगा और आप देते भी होंगे। इसके साथ ही साथ आपको फार्मयार्ड मैन्योर, जो गोबर की खाद करी, गोबर की खाद वो आप देते हैं, उसी समय आप उसके साथ आप कॉपर सल्फेट का 250 ग्राम, जिंक सल्फेट का 250 ग्राम और बोरान का भी बेरेक्स जो मार्केट में आता है उसका 250 ग्राम का प्रयोग करें। इससे आप देखेंगे कि जो आपका बौर है वो बहुत ही अच्छी बौर आएगी और उसमें फूल बहुत ज्यादा नहीं झड़ेगा। और यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई फूल में बहुत डरते हैं कि फूल झड़ रहा है, यहाँ मैं ये यहाँ बताना चाहूंगा कि एक आम का जो पेनिकल होता है, जो बौर होता है, उसमें 1000 से 6000 फूल होते हैं और उसमें से अगर 0.01% फ्रूट चेक हो गया, दाना बन गया, तो इसको हम मानते हैं कि हमारा फ्रूट चेक बहुत बढ़िया हो गया आम में। तो अगर आप ऐसे सरल भाषा में समझे तो एक पेनिकल में अगर 3 से 4 फल लग जाते हैं और लास्ट में जाते जाते 2 से 3 फल है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये हमारा जो है फल जो सेट हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है और किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 से 3 फल भी नहीं रुकता है, इससे कम रुक रहा है, तो कुछ चीजें आपको शुरू से ध्यान देना है। जैसे अभी बताया गया कि आम में कोई इस समय आप छिड़काव नहीं करेंगे, जब फूल खिलता है तो इसमें कोई भी छिड़काव नहीं करेंगे। इससे होता क्या है कि जब हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो जो परागण वाले कीट हैं वो मर जाते हैं, परागण सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो एक तो इस पर ध्यान दें और जैसे ही फूल खिल जाए आप पानी लगाएं अपने बगीचे में। फूल खिलने के बाद जैसे ही दाना बनता है आप उसको पर्याप्त रूप से पानी लगा दें तो इससे फल नहीं झड़ेगा। और इसके साथ अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा है तो मैंने बताया आपको कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड मार्केट में प्लेनोफिक्स के नाम से भी आता है और सारी कई सारी कंपनियां अलग अलग जो है वो नाम से बनाती है, तो आप प्लेनोफिक्स मार्केट पे ले सकते हैं और प्लेनोफिक्स का 0.9 ml कहते हैं लेकिन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बना करके और जब ये मटर के दाने के बराबर हो स्प्रे कर दीजिए तो आपका फल नहीं झड़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर सिंह, यहाँ पर ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो फल है वो अच्छी गुणवत्ता के हो, इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है और किस तरह से इसका प्रबंधन किसानों को करना चाहिए? बिल्कुल, अभी मैं यहाँ बताना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी तक किसान भाई हमारे जो जो आर्थोडिक्स लोग हैं अभी उनका मेनली जो जोर होता है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पर होता है और वो लोग जो है जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है, अभी जैसे फल हार्वेस्ट हो जाता है जून में जुलाई में, तो सितंबर अक्टूबर से खाद डालना शुरू कर देते हैं। हमारा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप नवंबर दिसंबर में, नवंबर में खाद डाल देते हैं, नवंबर में अक्टूबर नवंबर में खाद डालने के बाद इसके साथ ही साथ आप सूक्ष्म पोषक तत्वों पर बहुत ही विशेष तरह से ध्यान दें, क्योंकि किसान भाई लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग कम करते हैं या नहीं के बराबर करते हैं जी। तो इसको प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? जैसे अभी मैंने बताया अगर जिंक की कमी है, जिंक की कमी है तो फल छोटे होते हैं, पत्तियां आप देखते हैं कि छोटे छोटे रह जाते हैं। इसी तरह से अगर बोरान की कमी है तो उससे जो है फल दाना बहुत अच्छा नहीं बनता है। इसी तरह से आपका कॉपर है, अगर कॉपर की कमी है तो फलों में गोद निकलना, फलों के तनों से गोद का निकलना, इसकी कमी से फलों के तनों से भी गोद निकलता है। जिस तरह से अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग करें तो हमारी जो फल है वो उच्च गुणवत्ता युक्त होती है। हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा एक स्कीम ऑल इंडिया लेवल पर चल रहा है ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके तहत हम लोग AICR ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत अभी एक टेक्नोलॉजी निकाले हैं जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग, जो आपने पूछा है अभी, उसकी एक टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में बहुत सूक्ष्म रूप से बताना चाहेंगे कि इसमें आपको जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और बोरेक्स,
इन तीनों का प्रयोग करना है। अच्छा। और मैंने बताया कि इनका प्रयोग एक हेक्टेयर में जिंक सल्फेट 10 केजी और कॉपर सल्फेट 5 केजी और जो बोरिक एसिड है वो 5 केजी। अच्छा। इसके हिसाब से आपको 2 स्प्रे करना है। 2 स्प्रे कब करना है? एक जब फूल खिलने के पहले, जब पेलिकल आम का बौर आप देखते हैं कि लंबे लंबे आम के बौर आते हैं, तो बौर आ जाए, पेलिकल इमरजेंस हो जाए, लेकिन फूल खिलने के पहले 1 स्प्रे इसका हो जाए। और एक फूल खिलने के बाद जब आम का जो साइज होता है वो लगभग 2 सेंटीमीटर व्यास का, या कह लीजिए कि गोली के बराबर, जो गोली खेलते हैं बच्चे उनके दाने के बराबर जब ये हो जाए, कंचे के बराबर हो जाए, तो 1 स्प्रे उस समय करें। इससे जो फल की गुणवत्ता है बहुत ही अच्छी बन जाती है और उनका जो बाजार भाव होता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। बिल्कुल, यानी कि मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका भी प्रबंधन करना बेहद जरूरी है, तभी अच्छा जो उपज है वो आपको मिल सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और FPO के बारे में आइए कुछ और जानकारी यहाँ पर हासिल करते हैं। डॉक्टर टपास, हमें बताइए कि जो FPO है, आपने शुरुआत में कहा कि जो नई तकनीकें आ रही है कृषि में, उसका जो इस्तेमाल है वो किसान और बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उन तक पहुंच होती है FPO के जरिए, किस तरह? मैं चाहूंगी कि इसके बारे में हमें थोड़ा समझाएं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि FPO में ज्यादातर सदस्य छोटे और मझोले किसान होते हैं जी, उनके पास संसाधन कम होते हैं, जबकि हमारे पास कई सारी ऐसी मशीनरियां हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे लेजर लेवलिंग है जी। एक बड़ी मशीन है और काफी पैसे की भी आती है, साथ साथ में ट्रैक्टर भी बड़ा रखना पड़ता है। तो इसका उपयोग हर किसान करना चाहता है, करना इसलिए चाहता है कि अगर खेत हमारा लेवल होगा तो पानी की भी बचत होगी, फसल अच्छी आएगी और किसान की लागत भी कम होगी। अब लेजर लेवल जो हर किसान नहीं खरीद सकता है, लेकिन FPO के माध्यम से हम खरीद के ये सेवा जो है बाकी किसानों को भी दे सकते हैं, जिसको कहते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर। इनकी जो मशीनरी महंगी है और छोटा किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो FPO के माध्यम से हम कस्टम हायरिंग सेंटर खोल के अपने सदस्यों को भी और सदस्यों के अलावा दूसरे किसानों को भी दे सकते हैं। इससे किसानों को, छोटे किसानों को भी उसका पूरा फायदा मिलेगा। इसी तरह से आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से छिड़काव की बात चल रही है, तो इस तकनीकी का भी लाभ तभी मिल पाएगा जब हमारे छोटे और मझोले किसान इकट्ठे होकर इस काम को करते हैं, और ये भी हमारे इसके जो हमारा सेंटर है इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो किसान भाई हैं, अच्छी किस्म का बीज है तो कुछ दूर से मिलता है, पास नहीं मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, तो उस बीज का प्रबंध भी अगर FPO के माध्यम से करते हैं तो एक तो क्वालिटी अच्छी आ जाती है, समय पे मिल जाता है, किसान उसका लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह से हमारे किसान भाई ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के साथ साथ में जो स्किल प्रोग्रेशन की दूसरी चीजें हैं वो भी FPO के माध्यम से करते हैं, तो उनका सशक्त जो ज्ञान से सशक्त होते हैं और इस ज्ञान का वो अपने अच्छा उत्पादन लेने में, फसल के प्रबंधन में, बिक्री में, विपणन में प्रयोग कर सकते हैं। हमें एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। पहले खेम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ उज्जैन मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार हेम सिंह जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। हाँ। जी टीवी हाँ, की हाँ, आवाज बंद कर दें। हाँ, हाँ, कर दी, कम कर दी, बिल्कुल कम। हाँ, बिल्कुल। अच्छी आवाज आई थी आपकी। पूछे अपना सवाल मैडम। आम में मोर चाहते हैं पर फल नहीं लगते हैं। अच्छा, बौर आ रहे हैं लेकिन फल नहीं लग रहे हैं आम में। मोर आए मगर फल नहीं आए, बहुत कम आए फल, मतलब बहुत कम। ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर सिंह, वैसे तो आप इस बात का जवाब दे चुके हैं लेकिन मैं चाहूंगी कि हेम सिंह जी के लिए एक बार फिर से इस जवाब को दोहरा दें। हेम सिंह जी देखिए, आपके आम में बौर तो आ रहा है, आपका प्रश्न ये है कि इसमें फल नहीं लग रहा है। फल न लगने का कारण कई होता है और सबसे पहला जो चीज हम अभी विस्तृत से चर्चा किए हैं उसमें आप हर साल अपने आम के फल, आम के वृक्ष में आप सूक्ष्म पोषक तत्व एवं मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं उनका प्रयोग समय से करें। इसके साथ ये हो सकता है कि आपके आम में, हेम सिंह जी आपके बीच में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपके आम का जो बौर आता है वो गुच्छा सा बन जाता है, मोटा गुच्छा बन जाए और उसमें फिर फल कुछ ना मिले? जी हेम सिंह जी, हेम सिंह जी लगता है हमारा संपर्क टूट गया है हेम सिंह जी से। जी तो ऐसे में क्या जवाब देना चाहिए? अगर हेम सिंह जी सुन रहे हो तो इसमें एक समस्या होती है आम में, जो कि आम में गुम्मा व्याधि, उसको हम कहते हैं मैंगो बाल फॉर्मेशन। अच्छा, तो आम का जो फल होता है वो बिल्कुल गुच्छा बन जाता है और लगता है कि फूल बहुत आया है, इसमें फल भी लगेगा लेकिन अंत में उसमें फल नहीं लगता है, या एक तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है आम में। और इसके लिए करना ये होता है कि जब भी ये आम में दिखे
किसान भाई को उसको काट करके और जमीन में उसको दबा देना चाहिए, उसको खुला काट के नहीं फेंकना चाहिए। इसलिए इसकी दवा अभी इस समय जो अब तक कोई ऐसी दवा नहीं आई है कि मैंग्रोव फॉर्मेशन को खत्म कर सके। अच्छा। एक नक्सलीन स्प्रे का छिड़काव जरूर है जो हम कहते हैं कि उसका अक्टूबर नवंबर में स्प्रे करें, लेकिन सबसे बढ़िया जो इसमें है, आप जब भी आपको गुच्छा दिखे कि ये मोटा सा गुच्छा बन गया इसमें आम तो अब नहीं आएगा, तो अगर आम नहीं आता तो उसको काट करके और जमीन में दबा दें ताकि अन्य पेड़ों में न फैले। और आप देखेंगे कि साथ ही साथ अगर ये आप एक दो साल तक कर दें, लगातार दो से तीन साल कर दें, तो आप देखेंगे कि ये जो व्याधि है वो आपके चौथे साल से आपके पेड़ में नहीं दिखेगी। जी जी बिल्कुल। तो हेम सिंह जी, मुझे उम्मीद है कि इस सलाह पर जरूर आप अमल करेंगे और ये समस्या भी आपकी जरूर दूर हो जाएगी। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मॉरिटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम किसान उत्पादक संगठन और आम के बागों की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं और कोई शंका है आपके मन में, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप कॉल करके विशेषज्ञ मेहमान से आप सलाह ले सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल यहां पर पहले ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं, कहां से कॉल कर रहे हैं आप? मैं ग्राम कांकरिया तहसील खातेगांव जिला देवास मध्य प्रदेश से जगदीश सैनी बात कर रहा हूं। जी जी जगजीत जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा विशेषज्ञ महोदय जी से यह सवाल है कि मेरे आम के पौधे में छोटे छोटे फल
गिर रहे हैं। मैं सिंचाई उसकी 15 दिन के अंतराल पे करता हूँ, 15 से 20 दिन के अंतराल में सिंचाई कर देता हूँ। साइड में नाला टाइप गड्ढा टाइप बना लिया, उसमें पानी डाल देता हूँ मैं, और फिर भी उसके छोटे छोटे फल खिल रहे हैं। आम की लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है, पुराना पौधा है। अच्छा, और एक सवाल यह है मेरा कि वो एक साल अच्छा फल देता है और एक साल कम फल देता है, मतलब पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा फल गिर रहे हैं, तो ये क्या कारण है जी, बताएं डॉक्टर सिंह। हाँ बिल्कुल जगजीत जी, आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है और ये आम में बहुत बड़ी समस्या है। इसके पहले हम इसका जवाब भी दे चुके हैं, लेकिन जगजीत जी के लिए बहुत ही जल्दी में इसको मैं बताऊंगा। देखिए, जैसा आपने बताया कि आम में फल लग गया और लगने के बाद वो झड़ता है, ऐसे में हम आम को झड़ने से बचाने के लिए दो हार्मोन का प्रयोग करते हैं। एक है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जिसका हम प्रयोग 2 ग्राम प्रति 100 लीटर के हिसाब से करते हैं। अगर आप देखें तो 20 ppm उसको होते हैं, 20 ppm के हिसाब से हम करते हैं। लेकिन जगजीत जी आप ये नोट कर रहे हैं कि इसको लिख लें नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 2 ग्राम प्रति 100 लीटर, 100 लीटर में ये जो हार्मोन है 2 ग्राम मिलाना है, बाजार से आपको खरीद के लाना है। और ये 2 ग्राम जो है पहले इसको आपको अल्कोहल में डिजॉल्व करना है थोड़ा सा, और फिर 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देना। ये तो ही पहली चीज। लेकिन मार्केट में आप देखेंगे कि जो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, इसके जो बाजार में उपलब्ध है, जो कमर्शियल ग्रेड जो ये हार्मोन उपलब्ध है, जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि प्लेनोफिक्स नाम का एक दवा है मार्केट में, आप उसको खरीदें प्लेनोफिक्स, और प्लेनोफिक्स लेकर के 1 ml तक लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बनाएं और उसका अपने पेड़ों पर छिड़काव कर दें। आपका दाना बहुत हद तक गिरना बंद हो जाएगा और आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। आप देखेंगे इसका इफेक्ट मिला। दोबारा सुन लीजिए कि इसमें प्लेनोफिक्स आपको मार्केट से लाना है और 1 ml तक लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बना करके और इसका छिड़काव करना है। इसके साथ ही एक दूसरा प्रश्न था जगजीत जी का कि पर एक साल फल आता है और एक साल नहीं आता, या आता है तो कम आता है और एक साल बहुत आता है। तो ये आम में इसको हम कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग, एकांतर फलन। आप देखेंगे कि जो नॉर्थ इंडियन कंडीशन में जो भी आम की वैरायटीज है, प्रजातियां है, आम्रपाली को छोड़ करके, इसके साथ कुछ एक वैरायटी है प्रजाति है अरुण का, उसको भी छोड़ करके और कुछ अन्य भी है, बाकी जो दशहरी लंगड़ा चौसा बामेगिरी नांदपाली मल्लिका तो आम्रपाली इसमें से निकाल दे, बाकी जो प्रजातियां हैं उसमें एक साल फल आएगा और एक साल नहीं आएगा। तो इसका कारण यह है कि इसकी जो टहनियां है नॉर्थ इंडिया में, एक्चुअली हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, तो ठंड नवंबर से जोड़ लीजिए आप, नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी फरवरी तक आपको ठंड पड़ने की वजह से 3-4 महीने बीच में 4 से 4 महीने के करीब वो हमारे जो आम के जो शाखाएं हैं उसमें व्यवहार नहीं होती है। अच्छा। जिनकी वजह से वो इस लायक नहीं हो पाता है कि अगले साल फूल दे दे। इसमें जैसे जगजीत जी ने बताया कि एक साल फल कम आता है, तो उन टहनियों पे आता है जिसपे पिछले साल फल नहीं लगा होगा। तो आप ये देखेंगे, आप टहनी को अगर ध्यान से देखें तो जिस टहनी पे इस साल फल आया है उसपे अगले साल नहीं आएगा, और जिसपे इस साल आया है उसपे अगले साल नहीं आएगा, जिसपे पिछले साल नहीं आया उसपे इस साल आया होगा। तो ये एक समस्या तो नहीं कह सकते, लेकिन क्लाइमेट के हिसाब से एक सामान्य प्रक्रिया मानी जा सकती है, या फिर कुछ उपाय भी है जिसे किसान अपना सकते हैं? बिल्कुल, इसका उपाय है। उपाय आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उपाय थोड़ा महंगा है। सबसे पहला जो सस्ता उपाय है वो मैं बताऊंगा कि उसके लिए हमारे किसान भाई बागवान भाई लोग जो है जो रेगुलर बियरिंग वैरायटी जो हर साल फल देने वाली है, जैसे अगर मैं बताऊं ऑल इंडिया लेवल पर मल्लिका को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसकी खासियत इतनी ज्यादा है कि मल्लिका प्रजाति और ये हर साल फल देता है। इसी के साथ आप जैसे आम्रपाली बताया उसको लगा सकते हैं, लेकिन वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए हम रिकमेंड करते हैं। अरिनिका एक प्रजाति लखनऊ से निकली है, बहुत ही अच्छी है। इसी तरह से आईआरआई न्यू दिल्ली से जो है पूसा अरुणिमा प्रजाति है वो निकली है, हर साल फल देते हैं। इनके और भी प्रजातियां हैं, श्रेष्ठ है, लालिमा है, तो उन प्रजातियों को लगा सकते हैं जो हर साल उसमें फल आता है जी। अब बात यह रही कि किसान भाई के पास तो हमारे पास पहले से फल लगा हुआ है और उनकी बात कर रहे हैं, जैसे दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, उनकी बात करेंगे तो उसमें कैसे हर साल फल लिया जाए, इसके लिए एक हार्मोन है टैक्नोबुत्रागॉल, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसको प्रयोग करने के लिए जब आपने आम में फूड बर्ड डिफरेंशिएशन, जब नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है, अक्टूबर का टाइम, उस समय हम उसको जो पैक्लोबिट्रोजाल दवाई आती है कलतार के नाम से मार्केट में मिलेगा, 1 ml प्रति मीटर वृक्ष के फैलाव के हिसाब से, अगर 1 मीटर फैला है तो 1 ml डालते हैं कलतार का,
सपोज करिए 4 मीटर फैला है तो उसका 4 ml कल्पार का, और 4 ml कल्पार का मीन्स अगर वो 25% है तो 16 ml हो जाएगा। तो एक फुली ग्रोन अप ट्रीज है जो निश्चित रूप से जो ट्री 10 साल के ऊपर हो गया है, तो ऐसे वृक्षों में लगभग 15 से 16 ml कल्पार दवा का प्रयोग करें। अब इसमें एक दो चीजें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें बताना चाहिए कि कब करें कैसे करें। सबसे पहली बात यह है कि आपको इस कल्पार दवा का प्रयोग अक्टूबर के महीने में कर देना है, अक्टूबर तक इसको कर देना है। और कैसे करना है, मुख्य तने के पास एक गोल नाली बनानी है, और उसने जो आपको बताया मैंने कि 15 से 16 ml दवा या 1 ml प्रति मीटर वृक्ष के फैलाव के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं, तो उन दवा जो भी मात्रा बनती है उसको कैलकुलेट करके और उसको पानी में मिला करके, जैसे एक पेड़ अगर आप देख रहे हैं कि पतला सा है और वो मोटा सा भी हो सकता है, तो उसको चारों तरफ से एकदम मुख्य तना के पास ब्रेंचिंग करते हैं, क्योंकि मुख्य तना के पास भी अगर आप खोज करके देखें तो पतली पतली जड़ें होती है। तो वहां पर जो है हम इस सोल्यूशन को जो पैथोलॉजिकल इस दवा को डालते हैं, और इससे डॉक्टर सिंह आपने बहुत ही विस्तार से जवाब दिया इस बात का। मुझे उम्मीद है कि जगजीत सैनी जी जरूर आपके इस सुझाव पर अमल करेंगे, और तमाम किसान जो इस वक्त सुन रहे हैं वो भी जरूर इस सुझाव पर अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और आइए FPO यानी कि किसान उत्पादक संगठन के बारे में कुछ और जानकारियां हासिल करते हैं। तो डॉक्टर देवास आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक संगठन है यानी कि एक से ज्यादा किसान इसमें शामिल होते हैं, तो ऐसे में प्रबंधन किस तरह से करें और किस तरह की समस्याएं किसानों के सामने आ सकती हैं? ये आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि जब भी हम FPO बनाते हैं तो उसके हमारी एक नियमावली बनती है या मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनती है, जो पूरे जो उसकी नियमावली होती है कि हमारा FPO क्या क्या उद्देश्य है, इसको हमने किस तरह से इसको प्राप्त करना है, इसमें कितने डायरेक्टर्स होंगे, और एक इसमें होता है जिसको CA CO बोलते हैं, वो भी इसमें सरकार की तरफ से पैसा दे रही है, तो सरकार पहले से उसकी तनख्वाह दे रही है। CO का मतलब होता है कि उस कंपनी के डे टू डे के जो अफेयर्स हैं उनको कैसे प्रबंध करना है। इसके साथ साथ में हमारी बिजनेस प्लान होती है कि हमारा FPO कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे किसानों को उसकी कैसे मदद मिलेगी, हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, कहाँ कहाँ पे करनी है, और इस एक्टिविटी को कैसे बढ़ावा देना, एक सपना हमारा क्या है, उसपे एक हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिससे कि हम सोचे कि हमें अपने FPO को आगे कैसे बढ़ाना, 6 महीने बाद क्या होना है, 1 साल बाद क्या होना है, 1.5 साल बाद क्या होना है, 2 साल बाद हमारा सपना क्या है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है, उसको हम कहते हैं बिजनेस प्लान। और ये बिजनेस प्लान जो है हर FPO की एक बिल्कुल जान होती है, और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस प्लान ठीक होगा, उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो हमारे जो किसान हैं उनको अधिक उसका लाभ मिलेगा। तो FPO का जो सफलता है वो इस बात पे निर्भर करती है कि हम अपने किसानों को सशक्त करें, ट्रेनिंग दें, और उसकी एक अच्छी तरह से उसकी बिजनेस प्लान तैयार करवाएं। और बिजनेस प्लान जब भी तैयार होती है वो सभी सदस्यों के जो संसाधन है, जो हमारा प्रदेश जो हमारा जिला है उसके क्या ताकत है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसपे हम काम कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, कब कब होनी चाहिए, कौन सा मूल्य संवर्धन होना चाहिए, हमें कौन सा सेंटर खोलना है, कौन सी मशीनरी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी की सारी चर्चा इस बिजनेस प्लान में अच्छी तरह से की जाती है। और इसको बनाने के लिए आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके भी आप मदद ले सकते हैं, आपका जिला उद्यान अधिकारी उनकी भी मदद ले सकते हैं, जिला कृषि अधिकारी मदद ले सकते हैं। तो ये एक प्लान बनाई जाती है कि हमारा FPO किस तरह से काम करेगा, तो ये एक इसकी जान होती है जिसको आर्थिक रूप से हम सशक्त करने में बहुत इसकी मदद मिलती है। अब आपने कहा कि किस तरह से किसान बनाए, सबसे पहले तो जो FPO बनने हैं, सबसे पहले छोटे कुछ लगभग 15 से 20 किसान अपना एक इकट्ठे होते हैं जिसको हम किसान क्लब कहते हैं या दूसरा कोई संगठन बना सकते हैं, और इस तरह के संगठन सब मिलके हम लगभग कम से कम 20 संगठन जब मिल जाते हैं तो उसको हम FPO के उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये सभी लोग मिलके काम करते हैं। और उसमें सबसे जरूरी होती है हमारी नियमावली में हमें कैसे उसका प्रबंध करना है, कितने उसमें डायरेक्टर होने हैं, शेयर मनी किस तरह से होगा, कितनी उसकी एंट्री फी होगी, सभी चीजें उसमें चर्चा की जाती है, और हमारा क्या क्या उद्देश्य रहेगा। और उसके साथ साथ में जो हमारे जो शुरू में जो डायरेक्टर बनते हैं तो वो उनका क्या क्या रोल रहेगा, चेयरमैन क्या करेंगे, तो ये सभी चीजें उसमें चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और इसमें हमें पूरी मदद मिलती है नबार्ड के माध्यम से भी, और SFSCI के माध्यम से भी मदद मिलती है, जिसको हम लेके हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसमें हमारे किसान भाइयों को जितनी ज्यादा हम संस्थाओं को मिलेंगे, उनको साथ लेंगे, उतने ही ज्यादा हम अच्छी बिजनेस प्लान बना पाएंगे, उतने ही ज्यादा हम अपना
जो अंडर बना सकते हैं उसको अपने एफपीओ को रजिस्टर करवाने में मदद मिलेगी, वो हमें सभी सहायता की आवश्यकता जरूर होती है। जी बिल्कुल डॉक्टर दुभाष, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे एफपीओ के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। मैम नमस्ते। जी नमस्कार, शीतला प्रसाद श्रीवास्तव अकबरपुर अम्बेडकर नगर यूपी से बोल रहा था मैडम। जी शीतला प्रसाद जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। ये हमारे आम के पौधे में जो बौर लगा है, फूल लगा है, उसमें छोटे छोटे फल आ रहे हैं मटर के दाने जैसे, ठीक है, लेकिन वो सूख करके नीचे गिर जाते हैं। अच्छा ठीक है जी, तो इसके रोकथाम के लिए मैडम हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, तो एक बार फिर से सवाल है कि मटर के दाने के आकार के फल बन रहे हैं आम के, लेकिन वो झड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल डॉक्टर सिंह, मैं चाहूंगी संक्षेप में इसका जवाब दे दें आप, क्योंकि इससे पहले भी इसका जवाब आप दे चुके हैं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि इस समय किस किस तरह के जो कीट है उसका प्रकोप हो सकता है और फसल जो है आम के जो बाग है उन्हें किस तरह से बचाए, बचाव के क्या उपाय अपनाने चाहिए किसानों को? बिल्कुल, सबसे पहले श्रीवास्तव जी का ये प्रश्न था कि जी जी। आम इनका झड़ जा रहा है, फल लगता है झड़ जाता है, और इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन श्रीवास्तव जी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अपने आम के पेड़ों का पूरी तरह से पोषण करें, उनको न्यूट्रिशन हर साल दें, अच्छी तरह दें, और जो समय देने का है आप बाद में फोन कर सकते हैं, विश्वविद्यालय का फोन भी मिल जाता है बड़े आराम से, वैज्ञानिकों का फोन मिल जाता है, आप कर सकते हैं बात, और नहीं तो किसी भी जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र नजदीक हो उनसे भी पता करके आपको करना यह है कि हर साल आपको न्यूट्रिशन देना है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रयोग करिए समय पर। उसके साथ अगर आपका फल झड़ रहा है तो आप पानी, इस समय पानी आप समय से लगाएं, जैसे ही आपका दाना बन जाता है फ्लावरिंग के बाद, जब इसमें छोटे छोटे दाने सरसों के बराबर बन जाते हैं, तुरंत पानी लगाएं, उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। और उसके साथ मैंने जैसा कि बताया कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 20 ppm का प्रयोग करें, उससे जो है फल झड़ना कम हो जाएगा। और नहीं तो प्लानोफिक्स मार्केट में है, प्लानोफिक्स आप ले आए खरीद करके और 1 ml तक मीटर के हिसाब से उसको बना करके स्प्रे कर। जी अब बात रही कि डॉक्टर सिंह माफ कीजिएगा, रोग व कीट के प्रकोप के बारे में जानेंगे हम आपसे आगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, उनका सवाल यहाँ पर पहले ले लेते हैं। रंजीता जी मुंगेर बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। थैंक यू मैम। हाँ ये पूछना था कि अभी हम एक स्प्रे किए हैं 15 से 20 दिन पहले। अच्छा, तो उसमें हम कॉन्फिडोर और हेक्साकोनाजोल का स्प्रे किए थे, तो अभी ना मटर के दाना और सरसों के दाना, मटर से बड़ा भी हो गया है, कुछ कुछ सरसों के दाना के जैसा है, तो अभी कौन सा स्प्रे सही रहेगा? जी, और पानी का सिंचाई कब से शुरू करना है पौधे में, कब से देना है? और एक और सवाल था मैम कि हम बाकी आम्रपाली वगैरह में तो हर साल मंजर आता है, लेकिन मालदा में एक साल आता है और एक साल नहीं आता है, पूरा ही नहीं आता है जी, तो इसका क्या कारण है ये जानना था। बिल्कुल आइए जानते हैं डॉक्टर सिंह। रंजीता मैम सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आपने बताया कि एक स्प्रे कर दिया है, और अगर आपके आम में कोई कीड़ा नहीं दिख रहा है तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर अभी जैसे आपको खुद का कीट दिख रहा है उसमें हाँ, पर आम के पेड़ के नीचे जाते हैं, सबसे बड़ी पहचान नीचे जैसे पेड़ के जाएंगे तो आपको लगे कानों में मच्छर घुस गए बहुत सारे, अगर उसका प्रकोप है तब तो आप दवा का स्प्रे करेंगे, और उसके लिए है जैसे इमिडाक्लोप्रिड, उसको 3 ml प्रति 10 L के हिसाब से, थायोमेथोक्साम 3 g प्रति 10 L के हिसाब से, इसी तरह से स्पिनोसाइड, प्रोफेनोफास दवाएं हैं, लेकिन जब आपसे जरूरत हो तभी आप करेंगे जी। इसके साथ ही एक समस्या आ सकती है कि खरा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आम में, और उसके भी काफी नुकसान होता है, तो अगर वहां पर टेम्परेचर, जहां भी हम खरा रोग का प्रयोग करते हैं, अगर टेम्परेचर वहां ज्यादा होता है, जैसे टेम्परेचर सपोज करिए 30 °C के ऊपर चला गया, तो ऐसे में तो हम मेटेबल सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर 30 °C तक टेम्परेचर है तो आप मेटेबल सल्फर का प्रयोग करें, जिसको घुलनशील दंधक बोलते हैं, 2 g/L के हिसाब से आप छिड़काव करें, तो आपका बौर जो है जहां पर आम लगा है सफेद होकर के जो काला हो जाता है वो नहीं होगा, और आपके दाने बिल्कुल सुरक्षित बचे रहेंगे, अच्छे चलेंगे जी। इसके साथ लेकिन अगर आपका तापमान 30 °C से ज्यादा हो गया, ऐसे में एक कैराथेलेक आता है, महंगी दवा है लेकिन बहुत अच्छी है, और आप ये अभी तो आप इसको यूज कर सकते हैं, तो 6 ml प्रति 10 L के हिसाब से इस दवा का प्रयोग करें। साथ में इसके अलावा जैसे एजाक्सोस्टोबिन आता है, कार्बन डाइजिन है, हेक्साकोनाजोल है,
ये दवाएं हैं जिन जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं, इनको एक ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप प्रयोग करेंगे। डॉक्टर सिंह, रंजीता जी का एक सवाल सिंचाई से जुड़ा भी था। हाँ, एक सवाल मैम, आपने प्रश्न प्लीज दोबारा दोहराए। सिंचाई कब करें, वो ये भी जानना चाहती थी रंजीता। हाँ बिल्कुल, सिंचाई देखिए जैसा कि शुरू में ही बताया गया कि सिंचाई हम केवल जब फ्लावरिंग शुरू हो रहा होता है तब हम रोक देते हैं। ठीक, पहले फ्लावरिंग फूल खिल जाए अच्छी तरह, फूल खिलने के बाद जैसे ही दाना बन जाए और दाना आप मटर के बराबर हो जाए और आप अपना सिंचाई शुरू करें। जी, अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो फिर फल झड़ेगा। जो समस्या बार बार कई किसानों के प्रश्न लगभग हमारे समझ से यही आया कि हमारा फल झड़ रहा है, तो जैसे ही मटर के दाने के बराबर हो जाए, सरसों से ऊपर जाए, मटर के दाने के बराबर आ रहा है, तभी आप पहली सिंचाई कर दें। बिल्कुल रंजीता जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और आम के बागों की देखभाल के बारे में और किसान उत्पादक संगठन के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है, साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, किसान उत्पादक संगठन के बारे में और भी जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर टुपास, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान उत्पादक संगठन जो है उसके सदस्य किस तरह के किसान बन सकते हैं, साथ ही ऐसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है या किसी और की जमीन पर वो खेती कर रहे हैं, क्या वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं? मुन्ना जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। जैसे कि इसका नाम है किसान उत्पादक संगठन, यानी कि केवल उत्पादक ही इसके मेंबर बन सकते हैं। जो कुछ किसान ऐसे जिनके पास नाम जमीन है लेकिन वो खुद कृषि नहीं करते हैं तो उसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। लेकिन जो ऐसे किसान हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है लेकिन बटाई पे या दूसरी तरह से कृषि कर रहे हैं, वो बिल्कुल पूर्णतः इसके मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि वो उत्पादक हैं। क्योंकि इसमें वही मेंबर बनेगा जो उत्पादन करेगा, यानी कि सहयोग करेगा। इसमें कोई भी स्लीपिंग मेंबर होने की संभावना नहीं है, और अगर ऐसा मेंबर है तो उसको मेंबर नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि किसान उत्पादन संगठन उन्हीं किसानों के लिए जो खुद उत्पादन कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि हमारे जिले देश में लगभग जितने जो 5000 के करीब ब्लॉक्स में हम चाह रहे हैं कि हर एक ब्लॉक में दो किसान उत्पादन संगठन हो, तो उसमें देश सरकार ने तय किया है कि जो क्षेत्र जिस चीज के लिए फेमस है उसमें उसी किस्म के संगठन को उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, संगठनों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि सभी किसानों को फायदा हो सके और साथ साथ में जो उस जिले की ताकत है या जो उस ब्लॉक की ताकत है उस ताकत को भी हम इस्तेमाल कर सके और उसको आगे बढ़ा सके। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि हमारा जो सवाई माधोपुर का एरिया है वो केवल अमरूद का एक बेल्ट है, तो सवाई माधोपुर के एरिया में हम ऐसे किसान उत्पादन संगठनों को बढ़ावा दें जो अमरूद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके नए विकास तकनीकी में विकास कर रहे हैं, अब उसके प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो उस किस्म का बढ़ावा देना चाहिए, दिया जाना चाहिए। इसी तरह मलियाबाद है, आम के लिए फेमस है, तो वहां पे आम से संबंधित जो किसान उत्पादन संगठन बनाते हैं उससे ज्यादा लाभ मिलता है। तो सरकार की कोशिश ये है कि जितने भी छोटे और मझोले किसान हैं उनको उसकी पूरी ताकत का एहसास हो, साथ साथ में सरकार इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग की योजनाएं भी हैं जिसे प्रशिक्षण दिया जा सके तकनीकी तौर पे भी, और किस तरह से प्रबंध का प्रशिक्षण वो भी दिया जा सके। तो इसमें प्रशिक्षण जो है कि उसमें इनबिल्ट है कि जिसको अधिक से अधिक दिया जा सके। प्रशिक्षण का क्या महत्व है और किस तरह की कोशिशें की जा रही है प्रशिक्षण देने के लिए, इसके बारे में जानेंगे आपसे। इस समय हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर पहले ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया बताएं अपना नाम और कहाँ से कॉल कर रहे हैं। हेलो मैम, मध्य प्रदेश से बालाघाट जिले से बोल रहा था अनिल राठौर। जी अनिल जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैम मेरा आम से जुड़ा हुआ सवाल था। जी पूछिए। हेलो जी, पूछ सकते हैं आप अपना सवाल। मैम मेरे पास एक ग्राफ्टिंग प्लांटन और इसमें मैंगो। जी आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं? नहीं मैम, ऑल टाइम ग्राफ्टिंग मैंगो प्लांट है देख हुआ। अच्छा, उसमें एक साथ में फल आता है, फिर दो तीन महीने बाद एक साथ में फल आता है, मगर मैम उसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही, तो क्या डालना पड़ेगा मुझे? अच्छा, पौधे की जो ऊंचाई है वो नहीं बढ़ रही है। हाँ, वो नहीं बढ़ पा रही है, तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? मैं जैविक में डालता हूँ, जैसे गोबर खाद, पत्ते की खाद। ठीक है डॉक्टर सिंह, बताएं क्या सुझाव देना चाहेंगे आप। हाँ अनिल जी, बिल्कुल समस्या बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ एक चीज बता दें आप कि आपका जो आम का पौधा है वो कितने साल का हो गया है? अनिल जी कितने साल का पौधा है? चलिए लगता हमारा संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर सिंह, तो कोई नहीं, इसमें जो आम का कह रहे हैं कि बर्बाद नहीं हो पा रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे किसान भाई फल पौध लगाते हैं तो गड्ढे की जो खुदाई होती है, जिसको हम अप्रैल मई में खुदाई करके और फिर उसको गड्ढे को वापस भरते हैं, गोबर की खाद मिलाते हैं और फिर उसके बाद पौधा बारिश के बाद उसमें लगाते हैं या बारिश के समय लगाते हैं, तो हो सकता है कि गड्ढे की प्रॉपर खुदाई ना हुई हो। अगर आम लगा रहे हैं आप तो आम के लिए 1x1x1 क्यूबिक मीटर, आप कह सकते हैं 1 क्यूबिक मीटर का गड्ढा खोदना होता है और उसको खोद करके फिर वापस मिट्टी को गोबर की खाद के साथ मिलाते हुए भरना होता है, और फिर उसमें आप बाद में जब उसके ऊपर सिंचाई कर दें, सिंचाई करने के बाद जब गड्ढा सेटल हो जाता है फिर पौध लगाए, तो फिर पौध अच्छा चलता है। बाकी ये भी हो सकता है कि जब अनिल जी ने पौध लगाया हो और उसके बाद थोड़ा सा खाद और उर्वरक पर ज्यादा ध्यान ना दिया हो, तो उसको अगर प्रयोग करें, क्योंकि ये गोबर की खाद क्या रहे हैं, तो अच्छी उपज हासिल करने के लिए इन तमाम बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। डॉक्टर सिंह आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
आइए आगे बढ़ते हैं और चलते चलते डॉक्टर दबास आपसे जानना चाहेंगे, प्रशिक्षण की आप बात कर रहे थे तो सरकार की तरफ से किसानों को जागरूक करने के लिए किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और क्या महत्व है, बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे। सरकार जो प्रशिक्षण के ऊपर काफी जोर दे रही है, जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जितने एफपीओ होंगे उनको तकनीकी ज्ञान दें, साथ साथ में मैनेजमेंट का ज्ञान दें, साथ साथ में अगर हमें मूल्य संवर्धन से संबंधित कोई काम करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप की भी ट्रेनिंग देना उनको बहुत जरूरी है, जिससे कि वो अपना एंटरप्राइज लगा के अपना ऐसा प्रोसेस करें, वैल्यू एडिशन करें और हमारे किसानों को पूरा लाभ दें, उनका जो उत्पाद है उसका सही मूल्य दिलाने में उसकी मदद करें। और ये ट्रेनिंग का काम जितने हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, आईसीआर के संस्थान हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये सभी किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। इसके साथ साथ जो सरकार आर्थिक मदद देती है उस आर्थिक मदद में भी ये प्रावधान है कि कितना पैसा हमें किसानों के प्रशिक्षण में खर्च करना है और जो प्रशिक्षण है वो किस किस्म का होना चाहिए, वित्तीय प्रबंधन का भी उसमें प्रशिक्षण है, बिजनेस प्लान के लिए भी प्रशिक्षण का प्रावधान है, साथ साथ में जो तकनीकी ज्ञान उसके लिए भी प्रशिक्षण का प्रावधान है और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ में कैसे हमने अपना जो रोजगार चलाना है, व्यवसाय चलाना है उसके संबंधित भी इसमें प्रशिक्षण का प्रावधान है और प्रशिक्षण इसके लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि किसानों को ज्ञान से सशक्त किया जा सके और सशक्त ज्ञान के माध्यम से वो अच्छा फैसला ले सके। तो जितने भी किसी हमारे किसान उत्पादक संगठन है उनके लिए प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है और सरकार इसमें काफी सजग भी है और दे भी रही है। जी डॉक्टर दबास, आपने लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ के किसान उत्पादक संगठन के बारे में बहुत अहम जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो आज आपने विस्तार से जाना कि किस तरह से अपने आम के बागों की देखभाल आप कर सकते हैं ताकि अच्छी उपज आपको मिल सकती है और इसके साथ ही किसान उत्पादक संगठन कितने महत्वपूर्ण है और किसानों के लिए ये बेहद ही लाभदायक है, साथ ही सरकार भी किसानों को उत्साहित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है कि वो किसान उत्पादक संगठन से जुड़े, तो आप भी जरूर इसका लाभ लें। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और आपको हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल के विषय होंगे वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन और नारियल व सुपारी की खेती। आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल कल के कार्यक्रम में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप चाहे तो फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, साथ ही खुल जाएगा हमारा हेलो किसान का पेज जहां पर आप अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और जो पूरा कार्यक्रम है वहां पर आप दोबारा देख के तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करना होगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है।
आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, सात फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बदलते भारत की शान। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है, कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।